नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। दो पक्षों की लड़ाई में चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर सजेटी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में बीती शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में हुई कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह परमार पर अपने गुर्गों के साथ मिलकर मारपीट व आगजनी करने का आरोप लगाया। मारपीट के दौरान आशीष परमार समेत दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। वहीं इस मारपीट व आगजनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला। बताते चलें कि सजेटी थाना क्षेत्र के दौलतपुर का मजरा मतिरामपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। इस दौरान इस मारपीट में करीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, कुछ दबंगों ने इस जमीन पर बनी झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मतिरामपुर गांव में खाली प्लाट को कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और एक पक्ष तो जेसीबी लेकर कब्जा ढहाने तक पहुंच गए थे, जिसका ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुरजोर विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहा सुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते कहा सुनी मारपीट व लाठी डंडे में तब्दील हो गई और जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे चले, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर बनी झोपड़ी को हटाने के लिए गए थे उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जांच शुरू कर दी है। मंडल अध्यक्ष आशीष परमार ने बताया कि दौलतपुर के मजरा मतिरामपुर गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर गांव के ही कुछ दबंग लोग कब्जा कर रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर आशीष परमार ने इस मामले की जानकारी एसडीएम घाटमपुर व सजेटी पुलिस को दी। आशीष परमार के अनुसार बीती शाम जब वह अपने गांव गए हुए थे तभी उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा करते हुए दबंगों को देखा, जिसका उन्होंने विरोध किया। वहीं मामले का विरोध करने के दौरान दोनों पक्षों की कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि दबंगों ने खुद की झोपड़ी में आग लगाते हुए इस घटना का आरोप उन पर मढ़ने का कार्य किया है। पुलिस ने बताया कि बीती शाम सजेती थाना क्षेत्र के मतिरामपुर गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद के चलते मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसकी जानकारी होने पर दोनों पक्षों में घायल लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। यह जानकारी सीओ घाटमपुर सुशील कुमार दुबे ने दी। कानपुर से संवाददाता अंशु कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? छत्रपाल। क्या हो गया था? कैसे तो यहाँ देखो क्या हुआ था, कैसे चोट लगी थी? यह मार दिया था। किन लोगों ने? यादव लोगों ने। किस लिया? तो हमारी जमीन का विवाद था, हमारी जमीन थी, जबरदस्ती एक लोहार को कब्जा करा रहे थे। फिर तो उसी में मार कूट हुई, हम लोग साफ कर रहे थे, वो आकर के जो हमला कर दिए सब लोग। हथियार क्या लिए थे? हाँ, काटा था, वो था डंडा थे, लाठी थी, वो भी मारा। पर्चे दे दीजिए। मैं आशीष सिंह परमार हूँ और भारतीय जनता पार्टी घाटमपुर विधानसभा का एक मंडल है बरीपाल, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरी एक पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे गांव घना मतरामपुर में, थाना सजेती के अंतर्गत। उस पर पड़ोस के ही लोग
कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना मैंने SDM घाटमपुर को दी थी। और अभी कल लगातार नए कूटे गाड़ रहे थे विपक्षियों के द्वारा, नए कूटे गाड़े जा रहे थे जिसको लेकर के मैंने मना किया, तो उसने गांव के ही लोगों को बुला करके जो पहले से ही हत्या लूट और सरकारी ज़मीन पर कब्जा जैसे गंभीर जिन पर मुकदमे दर्ज हैं ऐसे लोगों को बुला करके मारपीट पे आमदा हो गए और फर्श से चाकू और लाठियां लेकर के मारपीट करने लगे। पुलिस ने कंप्लेंट करी? हाँ, मैंने SDM घाटमपुर और सजेती SO दो लोगों को लिखित रूप से अवगत। क्या बोले हैं? कार्रवाई करने का। आप भाजपा की पार्टी से जुड़े हुए हो, आपने संगठन ने बात नहीं करी इस बारे में? मैंने माननीय जिला अध्यक्ष जी से, योगी जी तो बोलते हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ हम एक्शन लेंगे जी, तो आपको नहीं लगता कि आप संगठन में होकर के आपको सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, निश्चित रूप से मैंने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में मेरी चूँकि पुश्तैनी ज़मीन है तो इसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा, ऐसा मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। थाना सजेती के थाना के अंतर्गत ग्राम एक पड़ता है घना मतीरामपुर, जिसके संबंध में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आपस में दो पक्ष लड़ रहे हैं। इसके संबंध में थाना सजेती पर एक दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभियोग पंजीत कर दिया गया है। घटना इस प्रकार है कि एक प्लॉट गांव में पड़ा हुआ है जिसमें दोनों पक्षों का विवाद था, इसी प्लॉट के विवाद के पीछे आपस में दोनों पक्षों में टकराव हुआ था, दोनों पक्षों के घायल व्यक्तियों की डॉक्टरी करा दी गई है और मुकदमा कायम करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था बनी हुई है।